हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे मैंने कबाब बनाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, एग और ब्रेड क्रम्स। चिकन का ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, इसको मैंने ऐसे किया जैसे चिकन को पहले मैंने अदरक लहसुन और गरम मसाले की जो लाइक इलायची है, सिनेमन है, उन सबको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने वो जो बॉईल चिकन और बाकी सब मसाले थे उनको मैंने मिक्सर में ग्राइंडर में मिक्स किया। उसके बाद मैंने उनको एक प्लेट में लेकर ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना रही थी। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि जब बॉल्स ऐसे बॉल्स पत्ते बनाएंगे ना, तो आपको उन्हें थोड़े पतले करने पड़ेंगे, वरना जब आप उनको फ्राई करोगे तो अगर बॉल्स ज़्यादा मोटे हुए तो अंदर अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़े पतले होने से कुक होने में बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने उनको पतले किए। तो जब मैंने मिक्सचर को ऐसे छोटे छोटे पतले पतले बॉल्स में बनाए थे, उसके बाद मुझे उनको ब्रेड क्रम में लगाना था, तो उसके लिए मैंने एग इस्तेमाल किया। अब एक छोटे से प्लेट में एग लीजिएगा और उसको इन चिकन बॉल्स को आप एग में अच्छी तरीके से कोट कीजिएगा, ताकि जब आप उनको ब्रेड क्रम्स में उनको मिक्स करेंगे तो जो ब्रेड क्रम्स से अच्छे तरीके से चिकन बॉल्स में अटक जाएंगे। तो अगर हम एग इस्तेमाल करते हैं तो वो करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी एग इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप उनमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ऑयल इतना कंसिस्टेंसी नहीं देगा जितना आपको एग देगा। मैंने ये स्पेशली इफ्तार के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि रोज़ अगर आप इफ्तार में सेम चीज़ खाने से आपको हैबिट होता है, तो क्यों ना आज कुछ यूनिक बनाया जाए। तो मैंने सोचा था क्यों ना आज मैं चिकन कबाब बना लूँ। एक्चुअली दिस इज़ माय सेकंड टाइम मेकिंग देम, तो पता नहीं कैसे होगा। अगर आप ब्रेड क्रम्स को ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में करेंगे ना तो अच्छा होता है, लेकिन अगर उनमें थोड़े से रफनेस होती है ब्रेड क्रम्स में तो अच्छा होता है। एक्चुअली मेरे पास और एक चीज़, मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो मैंने बिस्किट्स को मिक्सर में ग्राइंड किया, उसके बाद मैंने उसको इस्तेमाल किया ब्रेड क्रम्स के जैसे। तो अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन में आप ऑयल लीजिएगा, ऑयल जब कुक ऑयल मतलब हीट हो चुका होगा, उसके बाद आप इन चिकन बॉल्स को या फिर कबाब को यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन जब आप चिकन कबाब को आप फ्राई करोगे तो ध्यान रहे तेल बहुत ही कम होना चाहिए। कबाब बनाने के लिए कम तेल का इस्तेमाल अच्छा होता है, और आपको गैस थोड़ी सी लो फ्लेम में रखनी पड़ेगी ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से कुक हो सके। अगर गैस ज़्यादा हाई फ्लेम में होगी या फिर मीडियम फ्लेम में होगी तो ये ऊपर से बहुत ही मतलब जल जाएगा, और आपको अंदर से नहीं पकेगा तो बस ऊपरी हिस्से इनका पक जाएंगे। तो इट्स बेटर दैट वी लोअर द फायर लिटिल बिट। और कभी आपका कबाब ऐसे कलर का भी आ सकता है, बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि आप जब ब्रेड क्रम इस्तेमाल करते हो तो ब्रेड क्रम बहुत ही यू नो सॉफ्ट चीज़ होता है, तो इसलिए जब आप उनको तेल में डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ब्लैक एंड हो जाता है, लेकिन वो कबाब ख़राब नहीं होता है। सो आवर कबाब आर रेडी। और मैं आपको बता दूँ, खाने में ये टेस्टी ही था। सो आई रियली कैन कुक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।